अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डन सैक्स की हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष में आर्थिक डाउनग्रेडिंग का प्रमुख कारण अप्रैल जून तिमाही के दौरान सरकारी खर्च में 35% साल दर साल की कमी है। यह कमी सप्ताह भर चलने वाले आम चुनाव के साथ मेल खाती है। गोल्डन सैक्स के अर्थशास्त्री शांतनु सेन गुप्ता के नेतृत्व में प्रस्तुत इस रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती की ओर भी इशारा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई की कड़ी नीतियों के कारण घरेलू कर्ज में मंदी आ सकती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को प्रभावित कर सकती है। इसका सीधा असर देश के जीडीपी पर पड़ने की आशंका है। गोल्डमैन सैक्स केंद्र सरकार के खर्च में कमी को देखते हुए इस साल और अगले साल के लिए भारत की वृद्धि दर में 20 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। अब बैंक की भविष्यवाणी है कि 2024 में देश की अर्थव्यवस्था 6.7% और 2025 में 6.4 की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में उल्लेखित है कि सरकारी खर्च में कमी, जो आम चुनाव के साथ मेल खाती है, ने इस डाउनग्रेडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगले वर्ष भारत की वृद्धि दर पर सरकार द्वारा बजट में राजकोषीय घाटे को सफल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने की प्रतिबद्धता के कारण बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अर्थशास्त्रियों को कहना है कि बैंकों में अनसिक्योर लोन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के सख्त नियमों के चलते घरेलू लोन में मंदी देखी जा सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आसान मौद्रिक नीति अगले साल रियल जीडीपी वृद्धि पर कुछ दबाव को कम कर सकती है। गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि आरबीआई दिसंबर 2024 में रेपो रेट में बदलाव का साइकिल शुरू कर सकता है, जिससे आर्थिक वृद्धि को कुछ राहत मिल सकती है।